हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तो आज की क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं थर्ड लेक्चर ऑन इंटीग्रेशन। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस कवर करने से पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं। पिछले वीडियो में या पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, वन अपॉन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक पॉइंट आपने याद रखना है कि लॉग डिफाइंड है केवल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए, इसलिए अगर आपने इसको इस तरह से लिखा तो आप मान के चलिए कि आपने इस एक्स को एक पॉजिटिव वैल्यू माना है। अदरवाइज इसको अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई, यहां पे मॉडुलस एक्स कर लीजिए, log of mod x to the base e plus constant of integration, यानी यहां पर ये वाली वैल्यू पॉजिटिव ही होगी ऑन द होल। ऑलराइट, अगर आपने मॉडल से लिया इसका मतलब इट इज log ऑफ पॉजिटिव वैल्यू, इज दैट ओके? बिकॉज log इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यूज। चलिए अब इसके बाद शुरू करते हैं कुछ एडिशनल क्वेश्चंस पहले और दूसरे लेक्चर के ऊपर ऑन इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट एग्जांपल जो मैं ले रहा हूं यहां पर, जस्ट हैव अ लुक, ये है x प्लस वन टू एक्स प्लस फोर डी एक्स, इस फॉर्म में आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है? बहुत ही आसान, आपने क्या करना है, पहले इनका प्रोडक्ट कर लीजिए। तो अभी इंटीग्रेशन हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं ताकि आसानी से इंटीग्रेट कर पाए। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले x को 2x के साथ मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर, फिर x को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 4x, देन 1 को 2x के साथ मल्टीप्लाई किया 2x आया, 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, वी गेट dx ओवर हियर। अभी भी हम इंटीग्रेशन स्टार्ट नहीं कर रहे, वी राइट 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, तो यहां तक ये केवल सिंप्लीफिकेशन हो रहा था। अब हम इसका इंटीग्रेशन स्टार्ट करें, तो आप देखिए इंटीग्रेट करना शुरू, इंटीग्रेशन जब करना शुरू कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन का साइन यहां से हट जाएगा एंड ये सामने कॉन्स्टेंट ऐसे कैसे, 2 ऐसे कैसे, वेरिएबल की पावर यहां पर कितनी है, 2 है ना, तो वेरिएबल की पावर एक बढ़ा देनी है, यानी 2 प्लस 1 3, और उसी बढ़ी हुई पावर से ही डिवाइड कर देना। यहां पर 6, यहां केवल x लिखा है, इसका मतलब x की पावर 1 है, तो इसका मतलब ये बन जाएगा x की पावर 2 अपॉन 2, ठीक है। इसी तरह से यहां पर 4 के साथ में कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 4 इंटू एक्स की पावर 0 है, तो ये बन जाएगा यहां पर 4 x की पावर 0 प्लस 1, यानी x की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1, सो दैट रिमेन्स x इटसेल्फ, यानी यहां 4x आ जाएगा और इसके आगे लग जाएगा कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 अपॉन 3 एक्स क्यूब, 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3, एक्स स्क्वेयर 4 एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो इसका इंटीग्रल ये हमारे पास आ गया, ठीक है, सिंपल है। अगला क्वेश्चन और करते हैं। So, अगर आपको इस तरह से आ जाए 4x raised to the power 5 plus 3x plus 1 upon x dx, इसको इंटीग्रेट करने के लिए तो कैसे प्रोसीड करेंगे? तो सिंपल है अगेन, तो यहां पर इससे स्टार्ट किया, 4 सामने ऐसे कैसे, इसके आगे x की पावर क्या है, 5 है ना, तो x की पावर 5 प्लस 1 यानी 6 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। इसी तरह से प्लस यहां लिखा 3, x की पावर यहां 1 है तो x की पावर हो गई 2 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, ठीक है, और इसके बाद आ गया 1 अपॉन x, यानी अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो x की पावर माइनस 1, तो इसमें पावर बढ़ा देना और बड़ी हुई पावर से डिवाइड कर देना, वो वाला रूल यहां नहीं रखना है, और इसमें क्या जाना है, लॉग ऑफ एक्स, अगर हम एक्स को
पॉजिटिव मानते हैं तो, या फिर टू बी मोर क्लियर सिंपली log ऑफ mod x आप लिख सकते हैं, और प्लस आप लगा दीजिए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2/3 x की पावर 6 प्लस 3/2 x स्क्वायर प्लस log ऑफ मॉडुलस x टू द बेसी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है, सिंपल है. अगला क्वेश्चन देखिए. सो अगर आपको आ जाता है 1/x² प्लस 1/x dx इस तरह से, तो एक स्टेप अगले वाले पे इंटीग्रेशन अभी स्टार्ट मत करिए. सो वी राइट x की पावर माइनस 2, इसको आप चाहें तो 1/x ऐसे ही छोड़ दीजिए, या x की पावर माइनस 1 भी लिख सकते थे, क्या ऐसे ही छोड़ दिया. सो वी राइट x की पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1, इसमें ध्यान से कर लेना चाहिए इस तरह से ताकि कोई मिस्टेक होने का चांस ना रहे, और प्लस 1 बाई x dx का इंटीग्रेशन इज log ऑफ mod x, या फिर x को पॉजिटिव मानते हुए केवल log ऑफ x लिखा जा सकता है, बट इन दैट केस x शुड बी पॉजिटिव, और लग जाएगा आगे कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ये बन जाएगा x की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस log ऑफ mod x टू द बेसी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. इसको ऊपर नीचे माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस सामने आ गया. x की पावर माइनस 1 कैन बी रिटन एज 1 अपॉन x. इसके बाद ये आ जाएगा log ऑफ mod x टू द बेसी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका रिजल्ट आ गया. ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन इसके ऊपर और कर लेते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x डिवाइडेड बाई x क्यूब dx. ठीक है, अब अगेन पहले सिंप्लीफिकेशन करेंगे, अभी इंटीग्रेशन नहीं कर रहे तो इंटीग्रेशन का साइन वैसे का वैसे, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर अपॉन x क्यूब, एक ही स्टेप में लिख सकते थे 1/ x, क्या मैंने इस तरह से लिख के दिखाया आपको, एंड यहां पर आ जाएगा 3x अपॉन x क्यूब, और यहां पर आगे ब्रैकेट के बाद dx, ये आ जाएगा 1/ x, और इधर आ जाएगा अभी इंटीग्रेशन का साइन ऐसे, अभी भी हमने इंटीग्रेशन नहीं किया है शुरू, और ये आ जाएगा प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर. तो अगर हम इसको 3 अपॉन x स्क्वायर लिखते हैं तो एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा, तो हम ये x और x क्यूब करके x का स्क्वायर नीचे आ रहा है, तो उस x स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर माइनस 2 आ जाएगा, एंड यहां पर आगे dx. अब सीधे इंटीग्रेशन शुरू कर सकते हैं. अब आप देखिए इसको 1/ x का इंटीग्रल हो जाएगा log ऑफ mod x टू द बेस e, और यहां सामने आ जाएगा 3 एज ए कॉन्स्टेंट, एंड यहां पर x की पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1 यहां पे लिख दिया, और आगे लगा दिया कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ये आ जाएगा log ऑफ mod x टू द बेस e, यहां आ जाएगा माइनस 3 अपॉन x एंड प्लस c. ये आप देख सकते हैं कैसे माइनस 3 अपॉन x आ गया. ये देखिए नीचे माइनस 1 आना था, ऊपर नीचे माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, नीचे पॉजिटिव हो गया, सामने माइनस आया, तो उसके कारण माइनस यहां पर, और यहां ऊपर x की पावर क्या बननी थी, माइनस 1 बननी थी ना, वो नीचे जाके x की पावर प्लस 1 हो गई, और आगे लग गया कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है, समझ में आया बेटे. तो इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं, अगले लेक्चर में शुरू करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय.